खुदा गो बनी इसराइलिया के नाल वादो। बनी इसराइलिया ना बरकुलजुम बिचू गुजरन तू बाद खुदा ने उनकी रहनुमाई बियाबान तू एक पहाड़ की तरफ की जड़ा गो सियान की ही यो भी पहाड़ थो जिस पर हजरती मूसा ने चढ़ती हुई जाड़ी देखी थी। लोका ने पहाड़ गए अगे पीछे अपना खीमा लाया। खुदा ने हजरती मूसा और बनी इसराइलिया का लोका ना क्यों अगर तम मीना और मेरा वादा ना मनेगा ते तम सरदार की मलकीत एक मुकद्दस कौम और मेरी खास मलकीत वींगा। त्रै दिन तू बाद जिस कड़ी लोका ने अपना आप ना रूहानी तौर पर तैयार कर लियो ते खुदा गजन चमकन धुंध और पुरानी की आवाज के नाल को सियान वर लथो। सिर्फ हजरती मूसा ना पहाड़ वर जान की इजाजत थी। फिर खुदा ने उन गै नाल वादो बद्यो और क्यों और यूदो थारो खुदा हाँ जड़ा तम ना मिस्र की गुलामी तू छुड़ायो मेरो कसूर गैर मबूदा ना ना मनो। राशि होई मोरत ना मरोड़ियो और उनकी इबादत ना करो क्योंकि हूँ खुदावंद युद्ध गैर खुदा हाँ मेरा नाल बेरामती नाल ना इस्तेमाल करो। इस गल को ख्याल रखो कि राम गै दिन ना पाक मनो क्योंकि अपनू सारो कम काज छे दिन मा पूरो करनू क्योंकि सतमू दिन थारो राम और मीना याद करन गो दिन है। अपना माँ बाप की इज्जत करनी खून ना करनू जना ना करनू चोरी ना करनी कूड़ ना मारियूं अपना हमसाया की बीवी उसका कार और उसकी किसी भी चीज की लालच नहीं करनी। फिर खुदा ने ये 10 एकाम पत्थर लोवा वर लिखा और उन्हा हजरत मूसा ना दितो। खुदा ने और भी खासी सारी कानून और हिदायता मनन गए वास्ते दिती। खुदा ने वादो कियो कि अगर लोग इन कानूना ना मनी गाते वो उन्हा बरकत देगो और उनकी हिफाजत करेगा। अगर वे उन्ना नी मनी गाते खुदा उन्ना सजा देगो। खुदा ने बनी इसराइलिया को खीमा की मुल्की तकलीम भी दिती जड़ो वो उन तू बनानू चाहे थो इसको खीमो इक्साम किए गयो और उसका 2 कमरा एक बड़ी पर्दा तू अलग कर गया। सिर्फ कैन अजम ना पर्दा गए पिछला कमरा माँ जान की इजाजत थी क्योंकि उत खुदा मौजूद हो। खुदा ने बनी इसराइलिया को खीमा की मुकमल तफसील भी दी थी जेड़ो वो उन तू बनानू चाहे थो इसको त्याम के गयो और उसका 2 कमरा एक बड़ा पर्दा तू अलग करे गया। सिर्फ इमाम अजम ना पर्दा गए पिछला कमरा माँ जान की इजाजत थी क्योंकि उत खुदा मौजूद हो। जड़ो कोई खुदा का एकाम ना मने ते उस ना कुफर कुर्बानी के वास्ते एक जानवर ना खीमा एकाम गए सामने के वास्ते कुर्बान गावर लेनू वैत हो। सरदार जानवर की कुर्बानी कर तो और उस ना कुर्बान गावर जलावे कुर्बान होयो जानवर गो खून उस आदमी गै गुना तो छुड़े और खुदा की नजर मां आदमी ना नापाक कर दे हो। खुदा ने हजरती मूसा गो पाए हजरती हारून और हजरती हारून की औलाद ना अपनो सरदार होन गए वास्ते चुनियो। सारा लोका ने क्यों इतफाक कियो कि खुदा का दैनी भी इक्राम की पैरवी करेगा। सिर्फ खुदा की इबादत करी और उसका खास लोक बनेगा लेकिन खुदा
नाल वादो करन गए कुछ ही अरसा बाद उन्होंने गुनाह कियो। हजरती मूसा के दिना तोड़ी सिन्या बुर खुदा नाल गल कर रियो थो। लोग उनकी वापसी गो इंतजार करता करता अक गया। बस वे हजरती हारून गए कोले सोनू ले के आया और उन ना क्योंकि उन गै वास्ते एक बुत बना दे। हजरती हारून ने बछड़ा की तरफ को एक सोनो को बुत बनायो। लोका ने बुत की जंगलियां की तरह वालाना इबादत शुरू कर दी और उसके अगे कुर्बानियां चढ़ाई। खुदा उन तू उन गै गुनाह की वजह तू खासो नाराज होयो और उना ना तबाह करन गो इरादो कियो। मगर हजरती मूसा ने उन गै वास्ते दुआ करी और खुदा ने उनकी दुआ सुनी और उना तबाह ना कियो। जिस कड़ी हजरती मूसा पहाड़ पर बुन आयो और बुत ना देखो ते उन ना इस कदर गुस्सो आयो कि उन्होंने वो लोह जिन वर खुदा का 10 एकाम लिखा था तोड़ छुड़िया। फिर हजरती मूसा ने बुत ना पेश कर रखियो बनायो और उस ना पानी मां मिलायो और वो पानी लोका ना पिलायो। खुदा ने लोका मां वबा चलाई और उन मां खासा सारा हलाक हो गया। हजरती मूसा ने दोबारा पहाड़ पर चढ़ गए दुआ की खुदा लोका ना माफ कर दे। खुदा ने हजरती मूसा की दुआ सुनी और उन्हें माफ कियो। हजरती मूसा ने जो लोहा तोड़ी दीती थी उनकी जगह नई लोहा बुर 10 एकाम लिखा। फिर खुदा ने बनी इसराइलियों की रहनुमाई गो सतून तू दूर वादा की सरजमी की तरफ करी। क्रूज की किताब गए तू ले गए बाइबल की एक कहानी।